रे अवगुण चेत न धरो ओ मोरे अवगुण चेतन धरो हरि मेरे हरि मेरे मेरे अवगुण चेतन धरो ओ मोरे अवगुण चेतन धरो हरि मेरे दिलदार मुस्तफा के दिलो जा फातिमा के अली के हसन हुसैन के दिलदार मुस्तफा दिलदार मुस्तफा दिलदार मुस्तफा इसको टप ख्याल बोलते हैं, टप्पे के अंग से गाया जाने वाला ख्याल। ये भी ऐसी भी रचना है। तो मैंने आपसे पहले कहा ना कि मैं पारंपरिक ज्यादा हूँ, पर उसमें से कुछ रचनाएं हो गई हैं जैसे इसमें हुई वो बताइए आपको। हरिहर साधन धन बीज नाम उपस्थिति भी सामयिक तो उस क्षणिक उपस्थिति में हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि मानव संग्रहालय में मानव की जो सृजनशीलता की सारी इकाएं उनकी उनके साथ जीवंत रूप से हम जुड़ जाए। तो हम यहाँ पर वस्तु परक संग्रहालय बनाए हम नहीं चाहते हैं, हम मनुष्य परक संग्रहालय बनाए तो मनुष्य उसमें संग्रहात्मक वस्तु के रूप में उपस्थित ना हो, उनकी जीवन संस्कृति रहे तो उस जीवन संस्कृति के जो आपस में संबंध है उसे हम देख सकते हैं। जैसे मागी देसी की बात है आपको इस बारे में सृजनशीलता की जो धाराएं हैं वो कैसे परस्पर को प्रभावित करता है कैसे। इस विषय में आपने कहा था ना कि कौन से ऐसे सांस्कृतिक गतिविधियां हैं हाँ जिनको हम प्रभावित कर सकते हैं संग्रहालय हाँ, पूछा था। तो उस बारे में ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ लोक परंपराएं ऐसी जैसे सांस्कृतिक विविधता के कारण लोक परंपराएं अनेक है, संस्कृति अनेक दायरों में बटी हुई है, संस्कृति यहाँ है ऐसा नहीं कह सकते हर जगह संस्कृति, और उसमें से बहुत सी सांस्कृतिक विविधता जो है वो अपने आप में पूर्णता लिए हुई है और अपने लिए बहुत जेन्युइन है, उसको किसी की अपेक्षा नहीं है। ये आपने कहा था। लेकिन कुछ बातें कुछ वर्ग ऐसा है जैसे ब्राह्मण वर्ग वो वेदों का अध्ययन किए हुए है जो ब्राह्मण लोग और जो वेदों को गाते हैं ऐसे जो ब्राह्मण लोग तो वो अपने आप में बहुत विद्वान है और अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको संभाले हुए तो वो लोक परंपरा नहीं है परंतु सांस्कृतिक धरोहर अवश्य है। तो उनको यदि उस प्रकार का योगदान रहे अपना और तो मेरे ख्याल से वो उसमें से जो भी बातें संभव होंगी तो वो संस्कृति के लिए पोषक ही होंगी और उससे संस्कृति ज्यादा मजबूती बनेगी। मतलब वो जो वेद गाने वाले हैं उनका सही तरीके से अनुष्ठान करें वो या अपने बच्चों को सिखाएं तो उसके साथ साथ उनको समझने की भी सुविधा हो। अब बहुत से वेद पाठी ऐसे हैं कि उनको अगर अर्थ पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हमने 12 वर्ष तक तो केवल वेद का पाठ ही किया है, अर्थ ये हमारा काम नहीं है, अर्थ पूछना होता फलन शास्त्री के पास जाओ। मैंने अच्छे पूना जैसे शहर में भी जो अच्छे वेद पाठी हैं वो बता नहीं पाते नहीं उनका काम ही नहीं अर्थ समझना, उनका काम ही नहीं है अर्थ समझना। पहला काम है उनका याद करना, उसके बाद में कौन सी रुचा से कौन सा अभिषेक होता है, कौन सी रुचा का विधान कहाँ है ये मालूम होना, उस रुचा का उस विधान से कोई अर्थ का संबंध नहीं होता। अभी जो जितने प्रकार के हमारे संस्कार होते हैं जन्म संस्कार होते हैं मृत्यु संस्कार हो उसके साथ वैदिक ऋचाओं का एवं जितने भी संहिताए हैं उनकी जितने संबंध है उसके बारे में पूरे विवरण दिए नहीं। लेकिन जो जतन किए हुए ब्राह्मण लोग हैं उनको जो विधान उनको परंपरा से मालूम है वो है और वो अपनी जगह बहुत सही है।
क्योंकि हो सकता है परंपरा से भगवान को आदत हो गई हो वैसे की, अगर वो वैसा करें तो ही हम जवाब दें उसका या सुने, आदत हो गई होगी तो वैसे ही करना पड़ता है। ऐसे लोग अगर आप नहीं, वो एक नहीं, मैं कहता हूँ कि वो एक सांस्कृतिक धरोहर है उनका, उनसे देखो मालूम है नहीं, मैंने एक पॉसिबल रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ, ये हम लोग कोई उन्हें उपकार कर नहीं रहे, सही बात। हम लोग ये चाहते हैं कि उनकी जो ये जो धारा है सांस्कृतिक धारा जिस पर आप कह रहे हैं, इसके बारे में आम जन को पता चले, एवं आज के जो जो लोग जो जो संस्कार के बीच में से अंधे जैसे चले जाते हैं उसके जो सही अर्थ है उनको मालूम, एवं उसे वो ठीक से निष्पादित कर सके। तीसरी अगर हम उसको रिकॉर्ड करके गाएंगे तो उनको लोग बताएंगे, नहीं मैं ऐसा समझता हूँ, जैसे संस्कृति जो है उसका आधार तो धर्म ही है, तो जिस प्रकार का धर्म है उस प्रकार की उनकी संस्कृति है, अगर वो सांप्रदायिकता है तो उसके अंदर उसकी संस्कृति भी बड़ी रिजिड होती है। तो अपना जो भारतवर्ष का जो संस्कृति है वो विविधता इसलिए लिए हुए कि अपना धर्म किसी एक गुरु से नहीं चलता है, उसके अनेक प्रस्थापक हो गए और कोई दूसरी धारा को तोड़ता नहीं है, उसको बढ़ने देता है, तो ऐसी विविधता लिए हुए संस्कृति इसका आधार तो धर्म ही है। तो धर्म की धरोहर जो वेद हैं और उनका गान प्रकार है उनका यदि अच्छा संगोपन हो या उनको उनके महत्व को समझा जाए तो उससे संस्कृति मजबूत होगी। वो कैसे होगी मैं नहीं कह सकता, वो काफी कुछ है हाँ, लेकिन मैं तो वही लाल और काला कलर देख के लुभाता हूँ। ये भक्ति गायन के आप एक ही प्रकार के गायन करते हैं कि उसमें भी कई प्रकार के सभी विधाएं आती हैं? नहीं, भक्ति गायन में देखिए अभंग जो विधा है मराठी की, उसको उससे मुझे बहुत आकर्षण है, लेकिन हमारे पिताश्री अभंग के इस क्षेत्र को ज्यादा उन्होंने ये नहीं किया, जो भीमसेन जोशी वगैरह महाराष्ट्र में ज्यादा गाए गए, बाद में कुमार जी ने भी तुकाराम दर्शन का कार्यक्रम किया था, लेकिन खास तौर पे उनका कबीरदास जी का, सूरदास जी का, मतलब हिंदी भक्ति मार्ग कवियों का ये रहा। कर्नाटक के वो उनको कुछ आते थे लेकिन कभी गाए नहीं, तो बीन बजाते थे या सितार बजाते थे, वो भी किसी मजार पे या किसी ऐसी जगह बैठ के इबादत के भाव से अपना रियाज करते थे, अच्छा करें रियाज ज्यादा करें, लेकिन भक्ति भी है। निर्गुण विधा तो कुमार जी ने जोड़ दी है, किसी विधा से कहीं को अभ्यास हुआ होगा तो कर्नाटक संगीत का ही हुआ, नहीं चल सकते हिंदुस्तानी तो स्वर प्रधान संगीत है, वो स्वर प्रधान ही होना चाहिए संगीत। आप लोग ने कुछ पूछा? अच्छा, लेकिन जो आज का यूथ है, आज के जो स्टूडेंट्स हैं, उसमें मेनली ये होता है कि वेस्टर्न म्यूजिक को ज्यादा प्रेफर करते हैं, एंड 100 पीपल उसमें 99 ऐसे होते हैं जो हमें भी डिस्करेज करते हैं कि आप भी क्यों करते हैं, मतलब और जस्ट 1% वो मिल जाते हैं जैसे कि बस एनकरेज तो नहीं करते लेकिन कोई कमेंट भी नहीं करते। तो आप क्या करते हैं कि मतलब आपके विचार क्या है, हमें अपना जो हाँ ना सुनने के लिए उकसाते हैं या कलाकारों को प्रमोट करते हैं, किनको प्रमोट करते हैं आप? बहुत हुआ है, दिल्ली में बहुत हुआ है, मुंबई में हुआ है, तो उसका भी एक संस्कृति मेरे ख्याल से स्पीकमे के या किसी दूसरे काम में लग जाते हैं, वो स्पीकमे के बनी बनाई वही है, नहीं करते प्रोफेशनल टर्म्स नहीं लगाते हैं। इसके पीछे के साथ में कहा कि वैदिक विचार इतिहास है या परंपरा है, उन्हें समझने के लिए कुछ और भी प्रकार करने की आवश्यकता है, उसमें शैक्षणिक कार्यक्रम उसके साथ 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 करना चाहिए। उसके बाद में एक दिन कुछ ऐसी घटना होती है कि किसी शास्त्रीय संगीत का गाना सुन के फिर वो शास्त्रीय संगीत की जो उनको टेस्ट लग जाती है तो फिर वो बाकी सब छोड़ देते हैं, फिर वो शास्त्रीय संगीत से चिपक जाते हैं। तो कौन कैसा शास्त्रीय संगीत से आके जुड़ेगा उसका वैसे तो कोई गणित नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो ये अमंगस्ट यूथ प्रमोशन कर रहे हैं ये अच्छा प्रयत्न है और आप करते रहिए, उसे उसका कुछ ना कुछ तो फायदा अच्छा होता ही है। आप क्या सोचते हैं कि संस्था में केवल एक उस तरह के
कहा अच्छा हो